नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आज हम केले में होने वाली बीमारी बंची टॉप के बारे में जानेंगे। यह एक वायरस या विषाणु रोग है जो बनाना एफिड या केला माओ के द्वारा एक पेड़ से दूसरे पेड़ में फैलता है। यह केले में होने वाली घातक बीमारियों में से एक है। आइए अब जानते हैं कि इस रोग की पहचान कैसे की जाए। प्रारंभ में हमें गहरे हरे रंग की धारिया पत्ती मध्य शिरा के निचले हिस्से और पत्ती के तने की शिराओं में दिखाई देती है और शीर्ष की पत्तियां गुच्छे के रूप में दिखाई देती है। इसी लक्षण को देखते हुए इस बीमारी को यह नाम दिया गया है। गंभीर रूप से संक्रमित केले के पौधों में आमतौर पर फल नहीं लगते हैं, लेकिन यदि फल लगते हैं तो वह अपनी शुरुआती अवस्था में ही विकृत और टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं और उनकी वृद्धि रुक जाती है और किसान को कोई फसल प्राप्त नहीं होती। आइए अब जानते हैं कि हम इस बीमारी की रोकथाम कैसे कर सकते हैं। हमें विषाणु मुक्त रोपण सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। संक्रमित केले के पौधों को हटा दें। संक्रमित चूषकों या सकर्स का शीघ्र पता लगाने के लिए स्वच्छ खरपतवार मुक्त खेत बनाए रखें। पौधों को 4 मिलीलीटर फर्नोक्सोन घोल 400 मिलीलीटर पानी में 50 ग्राम के साथ इंजेक्ट करें। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और जानकारियां प्राप्त करने के लिए आज ही मुफ्त में जियो कृषि ऐप डाउनलोड करें। धन्यवाद।